अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और नेहा झाड़ू लगा रही है, पापा शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबको दिखाता हूं कि आज क्या पक रहा है। ये देखिए, पापा आज अकेले खाना बना रहे हैं। पापा क्या बना रहे हो आज? जो बना रहे हैं दाल, काफी टाइम हो गया, हमने सोचा कि आज दाल पका लेते हैं, कुछ और चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ, मेरे भी नहीं समझ आ रही थी, नेहा कह रही थी कि दाल ही पका लेते हैं। हाँ बस दाल पका लेते हैं, आज जो दाल का खा के गुजारा करेंगे। चलो सही है, दाल खा लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे तो रोज अच्छा अच्छा खाते हैं। नेहा यहाँ पर झाड़ू लगा रही है बेचारी, सुबह तो इसने झाड़ू लगाई नहीं और अभी लगा रही है। सुबह झाड़ू क्यों नहीं लगाई आपने? सुबह लगाई तो थी मैंने झाड़ू, अभी भी लगा रही हूँ दोबारा से। तो नहीं, सुबह लगानी चाहिए ना झाड़ू, शाम पे लगाने का क्या फायदा? सुबह मैंने लगाई थी, अभी दोबारा लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। नहीं, सुबह भी लगाया करो, दोपहर को भी और शाम को भी। दोपहर में फायदा नहीं होता लगाने का। जितनी दफा झाड़ू लगाओगे उतना ही फायदा है, तुम्हारा ही घर है, साफ रहेगा। अच्छा, अपना फायदा करवा रहे हो या नुकसान? नुकसान इस बात से होगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई तो आप ही लेके जाओगे डॉक्टर के पास। नहीं, तबीयत तो खराब नहीं होगी। थोड़ा पीछे से रह गया कचरा। नहीं है, नहीं है, वो खड्डों में से नहीं निकलता। और ये देखिए आपकी चप्पल ही ऐसे फैली होती है, एक काम वाली पड़ी हुई और एक घर वाली। ये मैं नई लाया था, ये आपने ऐसे फेंकी हुई, अभी भी फेंक दी है। अभी देखे मेरे रास्ते में इतनी सारी चप्पलें आ रही, इतनी चीजें आ रही हैं। तो आराम से इसको साइड पे कर दो। साइड पे ही कर दी मैं, आराम से। चलो सही है, तुम झाड़ू लगाओ, मैं आराम करता हूँ। इफ्तारी करके अभी अभी हम फारिग हुए तो मैंने सोचा चलो चांद देखते हैं। यहाँ पे खड़े होके चांद जो है इसी तारे के आसपास नजर आएगा। हम पापा मैं दोनों खड़े हुए हैं यहाँ पे चांद देखने के लिए, देखते हैं हमें दिखता है या नहीं। या तो काफी बारीक होगा तो नहीं दिखेगा, अगर थोड़ा सा मोटा हुआ तो दिख जाएगा। खाना खाने से थोड़ी देर पहले भाई लाए थे ये शरबत, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी खाना खाने के बाद मैंने निकाला है और भाई को दे दिया है। भाई यहाँ पर बैठ के पी रहे हैं और अभी मैं इसमें से अपने लिए निकालूंगी पीने के लिए। और ये देखिए इसमें काफ़ी सारा नीचे ही नीचे फालूदा है, इसको मैं हिला के डालूंगी। और अभी खाना खाने के बाद जो ठंडा ठंडा शरबत पीने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि खाना चटपटा था और ये मीठा मीठा ठंडा ठंडा पियेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है आज चांद रात है और कल ईद है, तो अभी मैं पापा से पूछती हूँ कि कल की क्या हमें तैयारी करके रखनी है, क्योंकि कल ईद है तो काफी सारे तैयारी करनी पड़ेगी अभी से, और कल जो भी पकाना है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई को बार बार बाहर भेजना पड़ेगा जो भी सामान लाना है, तो अभी मैं पापा से पूछती हूँ क्या तैयारी करनी है। तो पापा सुबह की तैयारी के लिए क्या क्या काम करना है? सुबह सामान मंगाओगे या अभी मंगाओगे? नहीं, सामान जो है ना अभी मंगाना है, क्योंकि रात भी हो रही है और चांद रात है, क्योंकि सुबह तो खैर नहीं मंगा सकते, टाइम नहीं मिलेगा इतना। हाँ। और अभी रश भी होगा तो अदनान को भेजते हैं और जो जो सामान मंगाना है वो मंगा लेते हैं। अभी वैसे पकाने का क्या इरादा है? मैं तो बोलती हूँ खीर पका लेते हैं, खीर जल्दी भी पक जाएगी, दूध अभी उबाल के रख देंगे, बाकी सुबह आधा काम कर लेंगे। सही है, अभी भाई से ना दूध मंगा लो। हाँ। और भाई बोल रहा था बिरयानी की, तो बिरयानी दोपहर में पका लेंगे। हाँ, छोलों का तो सब सामान है, पर बिरयानी के लिए बीफ वगैरह गोश्त जो आएगा। हाँ, वो भाई से अभी मंगाना है ना, भाई को बोलो, भाई लेकर आएगा फटाफट। सही है, अभी मैं भाई को बोलती हूँ, भाई ले आएंगे। तो भाई कल ईद पे जो भी पकाना है ना उसके लिए अभी आपको सामान ला के रखना है। पापा और मैं बोल रहे हैं सुबह जो है खीर पकानी है, तो खीर के लिए अभी आपको दूध ला के रखना है, बाकी सामान हैगा। और आपने बोला था बिरयानी पकाने का, बिरयानी के लिए बिरयानी के लिए आपको गोश्त ला के रखना है, क्योंकि कल तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, कल नहीं मिलेगा, अभी ले आता हूँ मैं गोश्त, क्योंकि काफी लोगों को गोश्त पकाना होगा, बिरयानी पकानी होगी, कुछ हाँ। अच्छा अच्छा बनाना होगा, तो गोश्त खत्म हो गया होगा, मुश्किल ही मिलेगा आज गोश्त। नहीं, मिल जाएगा, कल मुश्किल से मिलेगा, कल ज्यादा रश होगा। कल तो मिलेगा ही नहीं, कल तो वो खोलेंगे ही नहीं दुकान।
हाँ तो चलिए आप अभी ला के रख देना, फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि आज अब इस बार तो माशाल्लाह से हमारा फ्रिज भी है, फ्रिज में रख देंगे तो स्टोर हो जाएगा। हाँ फ्रिज से बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस बार। तो चलिए आप अभी जाएं, दूध लेके आएं, गोश्त लेके आएं, बाकी मैं अभी जो है अपना काम करती हूँ, कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ सुबह के लिए, ठीक है? सही है, आप अपने काम करो, मैं गोश्त लेके आता हूँ। तो भाई जा चुके हैं, भाई को जो भी सामान लेने के लिए जाना था तो अभी अभी गए हैं भाई, और मैं निकालती हूँ अलमारी से कपड़े जो जो हमें अभी इस्त्री करने हैं, क्योंकि लाइट पे जो है अभी भरोसा नहीं है, शायद चली जाए और ना जाए, मुझे तो लगता है नहीं जाएगी, क्योंकि चांद रात है, जानी तो नहीं चाहिए। तो मैं कपड़े निकालती हूँ जल्दी से, भाई और पापा के सूट निकाल लेती हूँ यहाँ से, ये देखिए जो कि मैंने तय बना के नहीं रखे हुए, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख दिए थे। ये भी भाई की दो शर्टे, इनको भी इस्त्री करना है, और यहाँ से मैं निकालती हूँ अपने कपड़े, ये रहे मेरे न्यू सूट जो कि मेरे को ईद के लिए निकालने हैं अभी, ये रहे मेरे सूट, और ये एक कमीज रह गई, ये वाली एक। तो चलिए अभी इन कपड़ों को मैं जल्दी जल्दी से इस्त्री करती हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और कपड़े भी ज्यादा हैं, इतने सारे कपड़े हैं आप देखें, इसमें दो सूट मेरे हैं, दो बल्कि तीन सूट मेरे हैं, दो पापा के हैं, तीन भाई के हैं। तो यहाँ से मैं इस्त्री निकालती हूँ, ले रही ये, क्योंकि आज तो फिर मैं भाई के कपड़े इस्त्री किए थे तो वो इस्त्री बाहर रखी हुई थी, यहाँ तार लगा लेती हूँ पहले, देखिए तार लग गया पर लाइट नहीं जली। तो सबसे पहले मैं करती हूँ अपना व्हाइट वाला सूट, क्योंकि व्हाइट वाला ही मुझे कल सूट पहनना है, तो मैं इस सूट को पहले कर लेती हूँ इस्त्री। या आपने इतने सारे कपड़े निकाले हैं कि सारे करोगी? तो और क्या, सारे करूंगी, फिर क्या पता मुझे बाद में टाइम नहीं मिले। नहीं, इतने सारे नहीं करो, एक एक सूट कर लो बस, बाकी जो है ना कल दोपहर में कर लेना परसों के लिए। चलो देखती हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिला ना तो कर लूंगी, थोड़े से रख देती हूँ फिर मैं। एक एक सूट कर लो, एक मेरा, एक आप अपना करें, एक भाई का करें बस। सही है, तो मैं भाई का ये कमीज सलवार निकाल देती हूँ, क्योंकि कल तो कमीज सलवार पहनेंगे। और आपका कौन सा निकालूं पापा? मेरा ये ऊपर वाला निकाल, ये वाला। हाँ चलिए ठीक है, बाकी ये वाले कपड़े मैं वापिस रख देती हूँ और इन कपड़ों को इस्त्री करती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना जो है बार सफेद सूट पहनूंगी पहली ईद को, और भाई के लिए मैंने निकाली है कमीज शलवार, क्योंकि पहली ईद को नमाज में तो कमीज शलवार ही पहनी जाती है, पैंट शर्ट में तो नमाज नहीं होती। और पापा के लिए जो है मैंने वो वाला सूट निकाला है, वो पापा पहली ईद को पहनेंगे, और भाई को भी गए हुए कम से कम 10-15 मिनट हो गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई भी। और इस्त्री करने के बाद जो है मुझे छोले भिगो के रखने हैं कल दोपहर के लिए, क्योंकि अगर मैंने अभी भिगो के रख दिया ना तो अच्छी तरीके से वो फूल जाएंगे। नहीं, दोपहर में नहीं, वो तो हम 10 बजे के टाइम खाएंगे, क्योंकि सुबह तो खीर खा लेंगे। हाँ, मुझे खीर से पेट भरता नहीं है, और खीर के बाद थोड़ा बहुत चाहिए होता है चटपटा, तो हाँ, वो 10-11 बजे के टाइम, 9-10 बजे के टाइम हम बनाएंगे। सही, और दोपहर में तो हमारा बिरयानी का प्रोग्राम है। हाँ दोपहर में 2-2.5 बजे तक बिरयानी बना लेंगे। हाँ तो बस इस्त्री करने के बाद मुझे और भी काम है, वो काम करती हूँ पहले, तो ये काम खत्म कर लेती हूँ ना। तो ये हमारी चांद रात की तैयारी, और इंशाल्लाह सुबह फजर में भी उठना है, जल्दी उठेंगे, फजर की नमाज पढ़नी है। हाँ। उसके बाद जो है ना बाकी तैयारी भी करनी है, साथ के साथ तैयार भी होना है और पकाने की भी तैयारी करनी है हमें। हाँ क्योंकि नमाज का जो टाइम है ना बहुत जल्दी है, और जल्दी अच्छी बात है, जल्दी होना चाहिए। क्या टाइम है वैसे नमाज का टाइम? हमारे यहाँ नमाज का टाइम है 7:30 बजे का। अच्छा चलिए जी, अच्छी बात है, सुबह फजर में उठेंगे, नमाज वमाज अदा करेंगे, और फिर उसके बाद ईद की तैयारी स्टार्ट। भाई जो है अभी अभी गोश्त लेके आए हैं और साथ ही साथ दूध, इस दूध को मैं अभी अभी उबालती हूँ क्योंकि सुबह तक ये खराब हो जाएगा, तो दूध को मैं उबालती हूँ और गोश्त को जो है फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा भाई आपका ये काम है, ये जो सूट है ना, दोनों सूट आपका और पापा का, ये दोनों सूट आपने हैंगर करने, मैंने आपको हैंगर निकाल के दे दिया, और मेरा सूट भी चरपाई पे रखा है, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपना गोश्त वगैरह फ्रिज में रखती हूँ, और ये जो दूध है इसको उबालती हूँ। सही है, ये दूध उबाल लो और गोश्त फ्रिज में रख दो। सही है। नेहा ने यहाँ पर दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, तकरीबन दूध को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:15 का,
इस वक्त रात के 12:15 बज रहे हैं और नेहा भी उठी हुई है, मैं भी उठा हुआ हूँ और सुबह की तैयारी हो रही है ताकि सुबह जो है हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि फजर में भी उठना है और फजर से लेकर ईद की नमाज तक हमें जागना है और मस्जिद की तैयारी करनी है, ईद की नहाना धोना है। तो जो पकाने की तैयारी है वो तकरीबन आधी हमारी हो जाए ताकि आधा जो काम रह जाएगा वो हम सुबह कर लेंगे। तो अभी हम सोते हैं क्योंकि फजर में हमें उठना भी है और टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं अभी। तो इंशाल्लाह फजर में उठेंगे और ईद की तैयारी करेंगे। मैं उठ चुका हूं और टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 बजे का। मैं फजर से पहले उठ गया था, फजर की नमाजों के बाद मैंने खीर तैयार करी क्योंकि खीर ज़रूरी थी तैयार करना। खीर में मैंने पहले कलात को ही आधा काम कर लिया था, काम थोड़ा सा बाकी रह गया था तो वो मैंने बाकी काम अभी कर लिया है और खीर हमारी तैयार हो चुकी है। इस वक्त नेहा और अदनान सो रहे हैं क्योंकि टाइम इस वक्त हो रहा है 6:30 बजे का और मैं इनको भी उठाऊंगा क्योंकि आज जो ईद की नमाज का टाइम है वो है 7:30 बजे का। पहले मैं इनको उठाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि खीर हमारी कैसी बनी है। तो चलें मैं किचन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ खीर। ये देखें खीर हमारी तैयार हो चुकी है और एक तरफ मैंने रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए ताकि मैं नहाऊंगा गर्म पानी से क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, मैं ऐसे ठंडे पानी से नहाया नहीं जाएगा। और खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है सख्त, बस इसको ठंडी करेंगे और फिर ये हमारी खीर तैयार है, फिर खाएंगे। नेहा को मैंने उठा दिया था क्योंकि नेहा को उठे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अदनान को भी उठा दिया है, वो भी अभी उठने वाला है बस। और नेहा ने उठते के साथ ही मेरे कपड़े जो थे उनमें सलवार में नाड़ा डालना था क्योंकि मेरे को पहले नहाना है जल्दी। नेहा डाल रही है मेरे कपड़ों की सलवार में नाड़ा और ये सामने जो सलवार देख रहे हैं ये अदनान की है और इस वक्त दोनों में नाड़ा डाल देगी ताकि ये काम हो जाए। तो उसके बाद जो है ना आप नहाओगे ना अदनान के बाद? हाँ। या खाली मुहात वगैरह? नहीं, अदनान भाई के बाद मैं नहाऊंगी। चलें ठीक है, क्योंकि टाइम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर। तो पापा जो है नहाने के लिए जा चुके हैं और जैसे ही भाई उठते हैं वैसे ही भाई भी नहाने के लिए जाएंगे। फिर जब भाई नहा के आएंगे उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी क्योंकि अब तीनों की लाइन लगेगी नहाने के लिए। नमाज तक हम तीनों ने नहाना है और उसके बाद नमाज अदा करनी है इनकी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ये हमारी वीडियो इस टॉपिक पे बनी है ईद की तैयारियाँ। तो तैयारियाँ तो ख़त्म हो गई, अब डायरेक्ट ईद शुरू हो रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।